पूर्व केंद्रीय मंत्री और रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा में सुधार को लेके एक आक्रोश मार्च निकाले थे। आक्रोश मार्च जैसे ही पटना का डबगला चौराहे पर पहुंची तो वहां आरएलएसपी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जम के झड़प हुए। पुलिस ने भी पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया, फिर लाठी चार्ज कर दी। अपने कार्यकर्ताओं को पीटते देख उपेंद्र कुशवाहा भी सीधे तौर पर मैदान में उतर गए और वो वाटर कैनन के सामने भीड़ में सड़कों के बीच बैठ गए। पुलिस की लाठी ने उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भी अपना प्रहार किया, जिससे उपेंद्र कुशवाहा को भी चोट लगी थी। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच ले जाया गया, लेकिन जो पीएमसीएच के अंदर से जो तस्वीरें आ रही है वो काफ़ी भयावह है। जिसमें दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के पूरे चेहरे में सूजन हो गई है, उनका पूरा चेहरा चोट लगने की वजह से एक तरीके से सूज गया है, उनके हाथों में बंडेज लगा है और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि जो उस समय जो सुरक्षाकर्मी जो वरीय पुलिस पदाधिकारी के लोग थे उनका कहना था कि हमारी पहली प्राथमिकता बनती है कि चोटित उपेंद्र कुशवाहा को बेहतर इलाज कराना, जिसे के बाद उन्हें डगबाना चौराहा से पीएमसीएच ले जाया गया। और जहां से वह तस्वीर आई है यह बता रही है कि आखिर अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को कैसे लाठी खानी पड़ी और लाठी खाने के बाद वो पूरी तरीके से अस्वस्थ हैं और अभी इलाज चल रहा है। हालांकि जो तस्वीरें हैं वो रालोसपा कार्यकर्ताओं के लिए कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। सीधे तौर पर अपने नेता के इस तरीके से चोटिल होने से रालोसपा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं आक्रोशित भी थे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उन्हें समझा बुझा के उस समय भीड़ को हटा लिया। लेकिन अब जो तस्वीरें आई है जाहिर सी बात है कि उनके समर्थकों को विचलित कर सकती है।